हम बनाने जा रहे हैं समाक के चावल। ये व्रत में खाए जाते हैं, वैसे तो बहुत टेस्टी होते हैं। व्रत में सिर्फ हम ये सेंधा नमक और काली मिर्च में ही सिर्फ हम इसको बनाएंगे। वैसे आप बनाए तो इसमें कोई और मसाले भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस तरीके से, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है। हाफ कप मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। इसको गर्म होने देंगे पहले, इसको हम रोस्ट कर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा ऑयल लगता है, इसी ऑयल के अंदर ही लगभग सारा काम हो जाएगा, नहीं तो एक आध स्पून डालना पड़ेगा। तो हम डालेंगे साथ साथ, हमने समाक के चावल लिए हैं। समाक के चावल हैं ये, जो व्रत में खाए जाते हैं, इसको रागिनी के चावल भी बोलते हैं कई लोग। ये देखिए इसको हम लेके बाउल में डाल के हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इधर हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं। मूंगफली हमारी देखिए रोस्ट हो गई है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा मत भूनिएगा, नहीं तो काली हो जाती है और टेस्ट में ख़राब हो जाती है। इस तरीके से आप इसको आराम से करके निकाल लीजिए। ये देखिए सारा ऑयल एज इट इज़ है, एज इट इज़ ही है। अब हम इसमें एक टेबल स्पून हमने जीरा डाल दिया, जीरा क्रैकल हो चुका है। कच्चा आलू मैंने डाइस करके वॉश करके मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया और काट के, अब इसको जीरा क्रैकल हो गया। अगर हमें थोड़ा जल्दी है और हमें जल्दी करना है तो हम इसको इस स्टेज पे हम इसको ऐसे ढक के रख देंगे तो ये और भी जल्दी हो जाता है। 2 से 3 मिनट में ये आलू गल के तैयार हो जाएंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, आलू गल गया है। आलू को बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर हम बॉयल दिलाएंगे तब भी थोड़ा सा आलू चावलों के साथ भी वो हो जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत गला लीजिए, 50% 60% करीब इसको गला लीजिए। देखिए ये फोक आराम से जाने लग गया, लेकिन अभी थोड़ी कसर है, जो हमारे चावलों के साथ जब बॉयल होंगे तो ये बन जाए। ठीक है, इसमें अब आप स्वाद अनुसार नमक डालिए, मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये व्रत में खाने वाला सेंधा नमक है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, वो भी बहुत कम ही, टेस्ट के अनुसार डालिएगा। 1/2 टेबल स्पून ही डालिए, बहुत छोटी टेबल स्पून लिए मैंने, हाफ वो डालिएगा। फिर इसको इस तरीके से करके इसको चला लीजिए। ये देखिए इसमें मूंगफली डाल दीजिए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से करके बनाएंगे तो समाज के चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए हिला लीजिए। ये मैंने एक बाउल से भी थोड़ा सा कम राइस लिए थे, जो मैंने धो के मैंने आपको दिखाया था, मैंने वॉश कर लिया। इसमें डाल देंगे, करते हुए हिला लेंगे और थोड़ा सा सिम गैस के ऊपर इसको राइस को भून लेंगे, जिससे ये ढलेंगे नहीं, नहीं तो फिर क्या होता है कि हमारे ज़्यादा वो मैशी से हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं बनते। और इसमें अब हम जितने हमने चावल लिए थे उसी बाउल से नाप के 2.5 गुना पानी डालेंगे। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि इसमें पानी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 2.5 गुना डालेंगे हम,
जितना हमने जिस मेजर से चावल लिया है उसी का हम ढाई गुना इसके अंदर पानी, अब जितना बना रहे हैं आप उसी हिसाब से डालिएगा। मैंने इस बाउल से लिया था तो मैं इसके अंदर ढाई गुना पानी डाल, ये देखिए गुना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ये बिल्कुल मेजर करके डालना होता है, इसमें आप ये गलती कर देंगे तो फिर आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे और आप कहेंगे कि ढल गए हैं, चावल अच्छे नहीं बने हैं। ये देखिए गैस को थोड़ा तेज करके एक बॉयल दिला देंगे। तेज गैस पे किया इसलिए जल्दी से बॉयल भी आ गया। इस तरीके से करके हिला दीजिए चम्मच, इसमें बहुत हल्के हाथों से चलाइएगा नहीं तो चावल गिरता है, मैशी सा बन जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना देखने में ना खाने में। इस तरह से हल्के हाथों से करके हिला लीजिए, बॉयल आ जाएगा। आ ही गया है बॉयल, ये देखिए गैस को सिम कर दीजिए। अब इसको ढक देते हैं हम 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। मिनट हो गए हैं, बस इतना ही लगता है बिल्कुल बनके तैयार है। आपको थोड़ा सा लगे तो आप इसको भाप में रख दीजिए इस स्टेज पे, वैसे मेरे तो बन गए हैं। गैस बंद कर दीजिए, अब इसको आप धनिया या किसी चीज़ से गार्निश कर लीजिए। अगर ऐसे भी खाना चाहेंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं समाज के चावल। ये देखिए अब हम इसको सर्व करते हैं, देखिए कितने टेस्टी और बहुत अच्छे और खिले खिले। आप अगर इसको भाप में रखेंगे तो 5 मिनट बाद खोलेंगे तो और भी खिले खिले और बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से धनिया से गार्निश कर दीजिए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आई होप आपको मेरी वीडियो और डिश दोनों पसंद आई होंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।